शिवाय नमस्तोभ्यम। शिव पुराण मर्मज्ञ पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज द्वारा आज पत्र परिषद को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों पर प्रदीप मिश्रा ने प्रतिक्रिया साझा की है, आइए डालते एक नजर। देश के प्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा इन दिनों नागपुर में 5 दिवसीय शिव पुराण कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा का शिव पुराण कथा का आज 4 दिन है। आज उन्होंने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि धर्म और राजनीति अनादि काल से चली आ रही है। राजनीति को धर्म की आवश्यकता है क्योंकि धर्म राजनीति को दिशा देता है, लेकिन धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं है। इस दौरान प्रदीप मिश्रा ने पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव वही जीतेंगे जो सनातन धर्म से जुड़ा है, जो हाथ में सनातन धर्म को जो लेकर चलेगा वही मध्य प्रदेश में ही नहीं देश में चुना जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हमने अभी भी कहा, भैया ने प्रश्न किया था तो हमने वही बोला है कि जो सनातन धर्म की ध्वजा लेकर चलेगा पूरा राष्ट्र उसके साथ चलेगा। अब उसमें सनातन धर्म की ध्वजा लेकर अगर मोदी जी चल रहे हैं या कोई चल रहा है तो पूरा राष्ट्र उनके साथ चल रहा है। जो सनातन धर्म से पीछे हट गया या अन्य धर्म की ओर जागृत हो जाता है या उसका आकर्षण वहां हो जाता है तो फिर हमारे सनातनी भी कहीं ना कहीं निर्णय देने के लिए आतुर हो जाते हैं। आयोजित पत्र परिषद में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया गया, जहां पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने शिव चरित्र, रामचरितमानस और सनातन पुराण का प्रमाण देते हुए कहा है कि वर्तमान समय में बहुत से लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी माँ का दूध पीता है उसमें संस्कार होते हैं। जो लोग डिब्बा बंद दूध पीते हैं उनमें संस्कार नहीं दिखाई देते। देखिए, विरोध करने वाले जो बयानबाजी में विरोध कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जो माता का दूध पिया हुआ होता है ना, वो कभी हमारी रामायण भागवत गीता या सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाता। जो डब्बा या थैली का दूध पिया होता है ना, वही उंगली उठा सकता है, बाकी का कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये तो आपके स्तनपान पर आधारित है कि आप किस भाव में कह रहे हो। कोई रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहा है, कोई गीता जी पे उंगली उठा रहा है, कोई राम पर उंगली उठा रहा है, मतलब सिद्धता है कि आप माता का दूध नहीं पिए हैं, आप डब्बे और थैली का दूध पीकर बड़े हुए। जो माता का दूध पिया हुआ था उसमें संस्कार होते हैं, उसमें संस्कार झलकते हैं, और संस्कार झलकते हैं मतलब रामचरितमानस पढ़ो चाहे ना पढ़ो उसके प्रति हमारा आदर होता है, उसके प्रति हमारा सम्मान होता है। हम घर से निकलते हैं तो अपने माँ बाप को चरण छू कर जाते हैं, हम घर से निकलते हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख कर जाते हैं। ये हमारे घर का संस्कार है जो हमको झलकता हुआ दिखता है। जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है उसको फायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मूल है हमारा सनातन धर्म बचना, हमारी बेटियों के लिए रक्षा होना, और एक साधारण सा व्यक्ति जो छोटे से छोटा स्वरूप का है उसको भी एक उत्थान की ओर जाना। तो मूल ये नहीं है कि कौन पार्टी बैठेगी, मूल ये है कि हमारा सनातन धर्म किसके हाथ में बच सकता है और किस रूप में सुरक्षित रह सकता है। तो जो भी इस सनातन धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चलेगा पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरा राष्ट्र उसके साथ चलेगा। आज देश में छोटी बच्चियों महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे भगवान के हाथ में शास्त्र है तो हाथ में हथियार भी। शिवाय नमस्तुभ्यम। आमदार श्री मोहन मते जी द्वारा, उनकी मित्र मंडली द्वारा, ये नागपुर नगर में पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोहन मते जी, आमदार जी, जो कि सनातन धर्म के प्रति हमेशा जागृत रहे और आज भी जो शिव महापुराण की कथा का जो आयोजन रखा है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु रखा है, केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं संपूर्ण भारत के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए रखा गया। आप सभी सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, मीडिया से जुड़े हुए आप लोगों ने इस कथा को जनमानस तक, सबके हृदय तक पहुंचाई है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो इस पवित्र भूमि पर आप लोग रहकर इस संपूर्ण कथा को जनमानस तक भेजे हैं। श्री शिवाय नमस्तु। शस्त्र हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, चाहे आप किसी भी देवता का स्मरण करेंगे, प्रत्येक देवता के हाथ में अगर शास्त्र है तो शस्त्र भी है। मूलतः बेटियों के लिए, मूलतः स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए स्वयं का बल होना। हमने व्यक्ति को ये भी कहा है, देवी के माध्यम से इसकी प्रेरणा दी है कि स्वयं के लिए, आपको आत्मरक्षा के लिए समय आने पर शस्त्र उठाना जरूरी पड़ सकता है।
क्योंकि आज जो छोटी छोटी बेटियों के साथ में या स्त्रियों के साथ में जो कृत्य हो रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है। श्री शिवाय नमस्ते। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।